जम्मू कश्मीर में लगातार कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। हालत यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार लगातार धीमी बनी हुई है। आप देखेंगे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां जो हैं वो लगातार अपनी हेडलाइट्स को ऑन करके चल रही हैं और 40 से 50 मीटर की विजिबिलिटी जो है इस वक्त पूरे इलाके में रह गई है। अगर आप कुछ ही दूरी पर नजर डालेंगे तो जो भी वाहन या जो भी घर यहाँ पर हैं वो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो है और इसी के चलते जो आम जनजीवन है वो लगातार प्रभावित हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते लोगों में काफी परेशानियां हैं क्योंकि लगातार बढ़ते कोहरे के चलते जो हैं इस वक्त गाड़ियों की मूवमेंट की बात हो, ट्रेनों की आवाजाही हो या फिर जो फ्लाइट्स हो वो लगातार जो हैं वो डिले हैं और इसी के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से मौसम रहेगा जबकि आने वाले कुछ दिनों में 26 तारीख के बाद जो है बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई जा रही है क्योंकि अभी तक जो यहाँ जम्मू कश्मीर में सर्दी पड़ रही है इसमें बर्फबारी और बारिश जो है वो नहीं हुई है जिसके चलते खुश्क सर्दी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।